तो बॉक्स ऑफिस पर शहजादा फिल्म, कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही। बीते साल कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, लेकिन शहजादा का हाल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साल 2022 में रिलीज हुई भूल भुलैया 2 ने कार्तिक आर्यन के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उन्होंने साल 2011 में फिल्म प्यार का पंचनामा से अपने बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। और इसके बाद कार्तिक ने कई फिल्में दी, लेकिन जो कमाल भूल भुलैया 2 ने दिखाया वो कोई भी फिल्म नहीं दिखा सकी थी। आपको बता दें कि भूल भुलैया 2 ने लोगों ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म ने 250 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म के बाद कार्तिक एक नए सुपरस्टार के तौर पर उभरे और सोशल मीडिया से लोगों के दिलों तक वो हर तरफ छा गए थे। उनकी फैन फॉलोइंग में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ था, लोग उनके दीवाने हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन की शहजादा फिल्म बिल्कुल भी कमाल नहीं दिखा पाई। शहजादा का हाल बिल्कुल बेहाल नजर आ रहा है। शहजादा 17 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई है और इस फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म का कलेक्शन बिल्कुल बुरा रहा। शहजादा ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए।